मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों को लेकर कहा कि कमलनाथ जी को गिनती करते रहना चाहिए, चिंता भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा अभी तक 38 विधायक विभिन्न कारणों से बागी हो चुके हैं। इस दौरान मिश्रा ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर कहा कि अखलाक के मामले में सभी मुखर थे, आफताब के मामले में कांग्रेस में चुप्पी क्यों है। उन्होंने कहा एक SC वर्ग की बेटी के 35 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन बटाला हाउस पर आतंकियों पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा, ना राहुल, ना दिग्विजय और ना ही मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा ने कुछ कहा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधायकों की मीटिंग और गिनती को लेकर कहा कि कमलनाथ जी को विधायकों की गिनती करते रहना चाहिए। पिछले महीने ही 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने कहा अभी तक 38 विधायक विभिन्न कारणों से बागी हो चुके हैं। निश्चिंत रहे, कोई नहीं जाएगा, संभाल के रखने की भी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है। उनको जो अज्ञात आशंका है वो अभी तक जो विधायकों ने उनके साथ किया है इसके कारण से है, और उनके नेतृत्व पे उंगली उठती है। अभी एक महीने पहले ही क्रॉस वोटिंग की है 17 विधायकों ने। अभी तक कुल इस तरह से विधायक 38 के लगभग बागी हो चुके हैं अलग अलग कारणों में, तो उनकी जनता स्वाभाविक है गिनती करते रहे। श्रद्धा मर्डर केस पर उन्होंने कहा कि आफताब ने एक SC वर्ग की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर जानवरों को दे दिया गया, लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों का एक भी बयान सामने नहीं आया। बटला हाउस एनकाउंटर पर आतंकी के मारे जाने पर रोने वाली सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा ने भी कुछ नहीं कहा। मिश्रा ने कहा अखलाक के मामले में सभी मुखर थे, आफताब के द्वारा श्रद्धा मर्डर में चुप्पी क्यों। यह तुष्टिकरण का ज्वलंत प्रमाण है। SC वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन किसी को भी पीड़ा नहीं हुई। अखलाक में बहुत सारे आए थे, आफताब में क्यों आएंगे। एक SC वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े हो गए, न राहुल जी का कोई बयान, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान, बेटी हूं लड़ सकती हूं प्रियंका जी वाड्रा जी, कोई बयान नहीं। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए शरीर के, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए। ये तुष्टिकरण की राजनीति इसको कहते हैं। सोनिया गांधी जी बटाला हाउस में आतंकवादियों पर आंसू बहाने गई थी, 35 टुकड़े जानवरों को खिला दिए फेंक फेंक के, किसी के मन में पीड़ा नहीं आई, ना अवार्ड वापसी गैंग आई, न तुष्टिकरण वाला कोई इस बात पे बोल रहा है। कैसी स्थिति है देश समझता है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो निंदा भर कर दे आफताब की, एक भी दल नहीं। मिश्रा ने सरकनपुर मंदिर चोरी मामले में बताया कि अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं और चोरी गया माल भी बरामद हो गया है। उन्होंने कहा कट्टी की 2 बोरियां बनाकर चोरों ने चोरी की थी, पूरा पैसा बरामद हो गया है, आगे की विवेचना की जा रही है। सरकनपुर मामले में जो अनिल खरे और शुभम दोनों व्यक्ति हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। जो भ्रम की स्थिति हो रही थी 6 बोरे ले गए थे, CCTV में ले जाते हुए वो 6 कट्टे दिख भी रहे, लेकिन ले जाने की दृष्टि से उन्होंने 2 उसमें कन्वर्ट कर लिया था, 2 बोरों में कट्टों को बोरों में कन्वर्ट कर लिया था। और जिस हिसाब से 1 बोरे के अंदर वो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं, उस हिसाब से पूरे 10,28,000 बरामद भी हो गए, पैसे भी आ गए पूरे के पूरे, और इनसे विवेचना और जारी है, पूछताछ लगातार जारी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।